मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूपी लाइव 100 न्यूज चैनल पर। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से बने रहिए हमारे साथ यूपी लाइव 100 न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। जनपद जालौन के तहसील औरई में आज तहसील दिवस के मौके पर महिलाओं ने पेयजल समस्याओं को लेकर धरना दिया। महिलाओं ने धरने में खाली बर्तन भी दिखाए। पूरा मामला जनपद जालौन के पटेली गांव का है। गांव में जल स्तर कम होने के कारण हैंडपंप पानी नहीं आ रहा है। उन्होंने बताया कि कुछ समय पूर्व एक सोलर पंप लगवाया गया था जो अब खराब है। तहसील दिवस के अवसर पर धरना प्रदर्शन करने वाले महिलाओं को कहीं तुरंत ही उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। जालौन से जिला संवाददाता कृष्ण कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट। हम उसका कहाँ से पिलाएं? सरकार तो कह रही है घर घर पानी पहुंचा दिया है। अबे पहुंचे हैं, जब बाबा हम मर गए तो कहाँ हम फिर कहीं मरे? बाबा गुरखे हैं, जब बाबा मर गए और गुरखे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शेखर जी। किस गांव से हैं आप? हम गांव पडोरी है, चौसा मोंजे है, तहसील उराई है, डकोर ब्लॉक है। अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया है आपको? ऐसे आश्वासन दे रहा है कि माता राम सबका चू होएगा। लेकिन अब होएगा परेशान ना। यहाँ आई आप, क्या शिकायत लेकर आई हुई है तहसील दिवस में? हमारे यहाँ 5 साल से बहुत परेशान, वैसे तो चलता बहुत थी लेकिन अब कुछ नहीं है। 2 महीने से बहुत ज्यादा ही परेशान है, पानी की किल्लत हो चुकी है हमारे गाँव। अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया? अधिकारियों ने यही आश्वासन दिया कि अगले महीने हो जाएगा, 15 दिन बाद हो जाएगा, 10 दिन बाद हो जाएगा, लेकिन वो कुछ नहीं रहा। अभी क्या आश्वासन मिला? अभी उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर हो जाए। अगर हम देख रहे हैं अगर 1 महीने में हो जाएगा तो कोई बात नहीं, अगर नहीं होगा तो उसके बाद फिर हम लोग धरना धर देंगे। आज जनपद जालौन के मुख्यालय पर तहसील दिवस के मौके पर कमिश्नर और आईजी सर ने निरीक्षण किया। निरीक्षण में तहसील दिवस समय से पाया गया। उन्होंने बताया कि इनकी मौजूदगी में लगभग 220 शिकायत आई जिसके उन्होंने जल्द समाधान करने का आदेश दिया। खास रिपोर्ट कृष्ण कुमार कुशवाहा। आज उरई जिला मुख्यालय पर तहसील दिवस का मैंने और आईजी साहब ने निरीक्षण किया था। तहसील दिवस समय से आयोजित होता हुआ पाया गया। हम लोगों ने भी जो प्रार्थना पत्र लेकर के शिकायत पत्र आए थे उनसे उनकी सीधी सीधी बातें हम लोगों ने सुनी है। कहीं पेयजल की समस्या है, कहीं पर किसी के वरासत का मामला है, कुछ पारिवारिक विवाद भी हैं, पति पत्नी जैसे भी हैं, इन पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। सीओ साहब को भी अवगत कराया गया कि ऐसे मामले में मिशन शक्ति अभियान हम लोगों का चल ही रहा है, उसको तत्काल निस्तारित किया जाए। और इस समय तहसील में गर्मी बढ़ रही है तो ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। आने वाले पंचायत चुनावों की तैयारियां कराने के संबंध में और जो होली का त्यौहार आ रहा है उसमें भी जो संवेदनशीलता बढ़ जाती है तो पुलिस को, मजिस्ट्रेट को, अन्य विभागीय अधिकारियों को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। हर एक का कोई कोई काम होता है, हर विभाग की योजनाएं होती हैं। 31 मार्च है, वित्तीय वर्ष का समापन हो रहा है, इसलिए लक्ष्यानुसार पूर्ति की जाए। कई विभाग है जो हम लोगों को सेवाएं देते हैं, जैसे जल प्रदान करने वाला जल संस्थान है, विद्युत की सप्लाई करवाने के लिए विद्युत विभाग है। इन लोगों की भी अपनी वार्षिक कारगुजारी होती है, तो सभी विभागीय अधिकारियों से मैंने कहा है कि जो पेंडिंग बिल है उनका भुगतान करें और जो और लोगों ने बिल पेमेंट नहीं किया उनको नोटिस दिया जाए ताकि शासकीय राजस्व की वसूली हो सके। सर कोई स्थिति ठीक ठाक पाई गई? सर कितनी शिकायतें आई हैं, कितनी शिकायतों का निस्तारण हुआ है? देखिए मैंने और आईजी साहब ने तो लगभग 20-22 शिकायतें ही सुनी हैं। उससे पहले भी बहुत सारी शिकायतें यहाँ पर आई हुई थी। पिछली जो तहसील दिवसों की पेंडेंसी है वो केवल 2 ही है, तो बहुत बड़ी पेंडेंसी है नहीं, और वो भी पिछली ही तहसील दिवस का है। सर गर्मी पड़ती वाटर लेवल नीचे चला गया, कुओं ने साथ छोड़ दिया, कोई योजना शुरू करेंगे क्या पानी के लिए ग्रामीण के लिए? आपको जानकारी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो जल जीवन मिशन
जल जीवन मिशन लागू किया गया है, उसके तहत बुंदेलखंड क्षेत्र के हमारे तीनों जनपदों के लगभग 2100 गांवों को 2100 गांवों में हर घर जल, नल से जल, ये योजना लागू की गई है। लगातार पाइपलाइनें बिछ रही हैं, ट्यूबवेल बन रहे हैं, CWRO का निर्माण किया जा रहा है। तात्कालिक रूप से पहले कर्मी जल संस्थान के कार्यों की समीक्षा की थी झांसी पर, तो जो हमारे पंप हाउस हैं वो सही हालत में चलते रहने चाहिए, कोई कमी ना रहे, बिजली की आपूर्ति लगातार बनी रहे, पाइपलाइन है उसको ठीक कराएं, और जहां हमारा पंप बिल्कुल ख़राब हो गया हो या वहां तक पाइपलाइन नहीं पहुंच पा रही हो या उसमें पानी नहीं निकल रहा है, नीचे हम लोग पाइप दो दो तीन तीन चार चार पाइप डालते हैं ट्यूबवेल में, उसके बावजूद भी अगर नहीं पानी पहुँचाया जा रहा हो तो टैंकर्स के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जानी चाहिए। बिजली की कल लगने से हुई मासूम बच्चे की मौत, बहन गंभीर रूप से झुलसी। जनपद बैरेज के थाना रामगांव के अंतर्गत मेटकाहा गांव का है। खेत में मटर तोड़ने गए भाई की मौत, बहन गंभीर रूप से झुलसी। दुश्मनी के चलते बिजली का तार खेत में बिछाने का लगाया आरोप, जिसके चलते हुआ यह हादसा। मौके पर पहुंची पुलिस, मृतक के लड़के का शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यह हादसा जनपद बैरेज के थाना रामगांव अंतर्गत ग्राम मेटकाहा का है। बैरेज से अहमद हुसैन की रिपोर्ट। ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर वन विभाग से तेंदुए पकड़ने के लगाई गुहार। भारत मोतीपुर नटपारा कपने घाट बच्चों पर प्रभाग के अंतर्गत विभागों ने गांव में इन दिनों तेंदुए का कहर जारी है। कहीं कोई ब्लॉक तो कहीं कोई जानवर तेंदुए को निकाल बना रहा है, इससे ग्रामीण भयभीत है और डरे हुए ज्यादा समस्या रहते। वन विभाग ने ठोस कदम नहीं उठाए तो आने वाले दिनों में मानवीय वन उद्योग में संघर्ष होना संभावित है। मोतीपुर रंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत पटरिया देवरिया के मजरा फ्लोरा गांव में तेंदुए दस्तक दे रहे हैं। तेंदुए रात में गांव पहुंच गए।
खास रिपोर्ट अहमद हुसैन। विकास खंड चमनाहा अंतरपुर प्राथमिक विद्यालय चमनाहा में मिशन प्रणत जन संस्थाओं शिक्षा चौपाल शिक्षक कार्यक्रम का आयोजित हो गया, जिसमें नाटकीय कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया तथा जिसमें बच्चों के गीत हम स्कूल चले और तुम स्कूल चलो इस गीत के शिक्षक छात्र महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। खास रिपोर्ट भुजब अहमद श्रावस्ती। विद्यालय जन सहयोग से बनाते हुए उत्तर प्रदेश को मेरे प्रदेश बनाने में